सब्सक्राइब कीजिए सिम्पल्स किचन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो। इट्स टोटली फ्री। फ्रेंड्स, सिम्पल्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी डिलीशियस रेसिपी बनाने जा रहे हैं, चिकन तहावी। लेकिन आज हम जो चिकन तहावी बनाएंगे ना, वो बिल्कुल टेस्टी, बिल्कुल सिंपल और बहुत ही आसानी से आप प्रेशर कुकर में इतनी डिलीशियस चिकन तहावी बना पाओगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि इस चिकन तहावी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 500 ग्राम चिकन ले लिया है, और जैसे आप यहाँ देख सकते हैं चिकन को मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे क्लीन करके अच्छे से वॉश करके रख दिया है, और इसको मैंने छोटे छोटे मीडियम पीस में इस तरह से कट कर लिया है। अब जो पीसेस मैंने यहाँ पे लिए हैं वो बहुत भी ज़्यादा बड़े नहीं है, बहुत भी ज़्यादा छोटे नहीं है, तो ताकि ये गलने में आसानी हो तो मीडियम साइज़ के पीस ले लें चिकन तहावी बनाने के लिए। और इतने चिकन के लिए यहाँ पर मैंने 1 ग्लास राइस ले लिए है, जिसको कि हमें पहले अच्छे से क्लीन कर लेना है। यहाँ पे मैं जो राइस ले रही हूँ वो नॉर्मल वाले राइस है, मैं वाडाकुलम राइस यूज़ कर रही हूँ जो मैं डेली घर में यूज़ करती हूँ। आप अगर चाहें तो बासमती राइस भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप बासमती राइस यूज़ करोगे ना, तो बस उसको आधे घंटे के लिए या तो फिर 10-15 मिनट पहले भिगो के रख देना, ताकि राइस जो है वो और ज़्यादा अच्छे बने। और इन सब के अलावा मैंने यहाँ पर लिया है 2 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बहुत ही बारीक चॉप किए हुए, हरा धनिया और पुदीना पत्ती ले लिया है थोड़ा सा, और यहाँ मैंने 4 हरी मिर्च ले ली है जिसको मैंने बीच में से थोड़ा सा चीरा लगा लिया है। और आप देख सकते हैं कि ये जो हरी मिर्च है आप इसको बीच में से कट कर सकते हैं चाहे तो। अदरक और लहसुन की पेस्ट ले लेंगे 1.5 टेबल स्पून, और नमक हम अपने स्वाद अनुसार लेंगे। अब इसको चिकन तहावी को टेस्टी बनाने के लिए हमें कुछ पाउडर मसाले और कुछ खड़े मसालों की भी ज़रूरत होगी। तो मैंने लिया है हल्दी पाउडर, गर्म मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। ये सारे मसाले मैंने 1-1 टेबल स्पून ले लिए हैं। साथ ही खड़े मसालों में लिया है शाहजीवा, अगर आपके पास शाहजीवा नहीं है तो आप जीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 तेज़पत्ता और 1 करन फूल ले लेंगे। खड़े मसाले आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने यहाँ लिया है 1 कप दही। इसे बनाने के लिए दही को अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो अब यहाँ पे हमने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं, अब हम जल्दी से चलते हैं इसे बनाने की तरफ। तो यहाँ पे इसे बनाने के लिए मैंने 1 बाउल में चिकन ले लिया है। तो सबसे पहले मैंने चिकन को 1 बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया, और अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। जब भी मैं चिकन की कोई डिश बनाती हूँ ना, तो प्रेफर करती हूँ कि उसको पहले मैरिनेट करूँ ताकि वो और ज़्यादा अच्छा बने। तो यहाँ पे मैंने जितने भी मसाले लिए थे उसमें से मैं खड़े मसाले साइड में निकाल दूँगी, और बाकी सारे पाउडर मसाले मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चटपटिया तो फिर अंबावी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इसके वजह से और भी ये ज़्यादा टेस्टी बनेगा। फिर मैं इसमें डाल दूंगी दही। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम चिकन के लिए और 1 ग्लास मैंने राइस लिए थे उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी दही का इस्तेमाल किया है। जो दही है वो बहुत भी ज़्यादा खट्टा नहीं है और बहुत ज़्यादा फीका भी नहीं, तो मीडियम जो दही है वो मैंने इस्तेमाल कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट। अदरक लहसुन की पेस्ट मैंने आधी यहाँ मैरिनेशन में डाली है, आधी मैं फ्राई करते वक्त डाल दूंगी। अब जब हम यहाँ पे अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे, उसके बाद अगर आप चाहें ना तो थोड़ी सी हरी मिर्च और धनिया की पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं ताकि ये और ज़्यादा अच्छा बने। और मैंने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा नमक। अब इन सबको मैं बहुत ही अच्छे से अपने हाथों से मिक्स कर लूँगी। इसको बहुत अच्छा सा कलर देने के लिए आप अगर चाहें तो यहाँ फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर हल्दी डाल रखी है, मैं येलो कलर में ही बना रही हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर सिर्फ हल्दी ही डालूँगी। तो इन सबको मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है अपने हाथों से। अब हम इसे ढककर कम से कम 20 से 25 मिनट तक मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। जितना ज़्यादा देर ये मैरिनेट होगा उतनी ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगेगा। तो अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए रख दें। तो मेरा यहाँ पर मैरिनेशन जो है वो कम्प्लीट हो चुका है। मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है जिसमें मैंने डाल दिया है तेल, और तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। उसमें मैं डाल दूँगी खड़े मसाले। तो आप यहाँ देखोगे जैसे ही मैं खड़े मसाले इसमें डाल दूंगी, खड़े मसालों को अच्छे से चला लूँगी, और 1 मिनट तक के हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, या तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक इस सारे खड़े मसालों का जो फ्लेवर है ना वो तेल में अच्छे से रिलीज़ नहीं हो जाता। और जैसे ही आप देखोगे कि हमारे खड़े मसाले काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इसी में ऐड कर देंगे हरी मिर्च जिसको कि मैंने बीच में से कट कर लिया था। आप अगर चाहें तो हरी मिर्च चॉप करके भी डाल सकते हैं यहाँ पर, या तो फिर पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हरी मिर्च थोड़ी सी हो जाएगी इसी में ऐड कर देंगे लंबाई में कटा हुआ प्याज, और प्याज को डालने के बाद इसे चला देंगे, और चलाते हुए इसको कलर चेंज होने तक के फ्राई कर लेंगे। अब जब हम चिकन तहावी बनाते हैं तो अगर आप वाइट कलर का पुलाव जैसे बना रहे हो तो आपको ऑनियन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा पिंक ही रखेंगे। और अगर आप चिकन तहावी बना रहे हो इस तरह से तो आपको
प्याज को जो है वो अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो आपने यहाँ देखा जैसे ही प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है मैं इसमें ऐड कर दूंगी आलू। आलू यहाँ पे बिल्कुल ही ऑप्शनल है लेकिन मेरे घर में आलू खाना इसमें पसंद करता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको इंग्रेडिएंट्स में नहीं दिखाया। और फिर मैंने यहाँ पे अदरक और लहसुन की पेस्ट भी ऐड कर दी है और इसे अच्छे से चला लेंगे। अब इसे चलाते हुए हमें अदरक लहसुन का कच्चापन दूर होने तक के इसे फ्राई कर लेना है। सो 2 से 3 मिनट लगेंगे यहाँ पे इसे फ्राई होने में और अदरक लहसुन को अच्छे से कच्चापन दूर होने में, और तब तक हमारी प्याज भी अच्छे से गोल्डन हो जाएगी और यहाँ पे आलू जो है वो भी अच्छे से थोड़े फ्राई हो जाएंगे। आलू यहाँ मैंने पहले इसके लिए डाले हैं क्या कि आलू जो है वो कच्चे ना रहे। अब आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर। अगर आप मैरिनेशन वाली प्रोसेस नहीं कर रहे हो ना तो यहाँ पे पहले मसाले ऐड कर देना और फिर टमाटर डाल देना, लेकिन मैंने सारे मसाले जो है वो मैरिनेशन में डाल रखे हैं, इसके लिए मैं यहाँ पे पहले टमाटर ऐड करूँगी और टमाटर को थोड़ा सा सॉल्ट डाल के और इसे सॉफ्ट होने तक के फ्राई कर लूँगी। तो अब आप ये देखिए यहाँ पे मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है, इसे चलाते रहेंगे बीच बीच में और इसे बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही हम सॉल्ट और टमाटर डालेंगे आप देखोगे कि जो अदरक लहसुन नीचे लगने लगा था वो अपने आप ही निकल जाएगा। और 1 से 2 मिनट में बीच बीच में चलाते रहेंगे इसे ताकि टमाटर जो है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। हमें टमाटर को बहुत भी ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा मशी होने तक के फ्राई कर लेना है। अब आपने यहाँ देखा कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेटेड चिकन। ये देखिए आप यहाँ देखोगे कि मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इस धनिया डाल दूंगी और पुदीना पत्ती। आप यहाँ अगर चाहें ना तो थोड़ी सी पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं पुदीने की। और फिर मैं यहाँ डाल दूंगी चिकन जिसको हमने पहले ही मैरिनेट करके रख दिया था और इसे बहुत अच्छे से चला लेंगे। और चिकन को चलाते हुए हम बस 1 से 1.5 मिनट तक के फ्राई कर लेंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हमें इसे कम से कम 5 से 7 मिनट तक के पका लेना है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि चिकन जो है उसको मैंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लिया है और अब मैं इसे इस तरह से ढक दूंगी। आपने यहाँ नोटिस किया होगा कि मैं इसे प्रेशर कुक नहीं कर रही हूँ, बस लीड को इस तरह से मैंने यहाँ पे रख दिया है और इसे हम कम से कम 5 से 6 मिनट तक के पका लेंगे, जिसके वजह से जो चिकन है ना वो सारे मसाले और चिकन एक दूसरे में अच्छे से मिल जाएगा और इसमें सारा टेस्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से आ जाएगा। तो 1 से 2 बार मिक्स कर लेंगे इसे ताकि ये जो सब है अच्छे से मिक्स हो जाए और नीचे लगे ना। अब आप यहाँ देखोगे कि इसे पकते हुए कम से कम 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और तेल जो है वो सरफेस पे निकल आया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे राइस जिसको मैंने पहले ही अच्छे से धो के रखा है यहाँ पे। आप अगर चाहें तो बासमती राइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, लेकिन आपको भिगोना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल ही नॉर्मल चिकन तहावी बना रही हूँ जो बहुत ही सिंपल आसानी से टेस्टी सी चिकन तहावी बन जाए, इसके लिए मैं यहाँ पे नॉर्मली सारी जो प्रोसेस है वो आपको कुक करके दिखा रही हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने राइस डालने के बाद इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर बारी आती है राइस में पानी डालने की। पानी जब आप डालोगे ना तो आपके राइस के ऊपर डिपेंड है कि आप पानी कितना डालोगे। अब मैंने जो राइस लिए है उसमें अगर आप पतीले में बना रहे हो तो 1 ग्लास राइस को 2 ग्लास के करीब करीब पानी यहाँ पर लग जाएगा, लेकिन क्योंकि आप प्रेशर कुकर में बना रहे हो और प्रेशर कुकर में पानी बहुत ही कम लगता है, इसके वजह से मैं 1 ग्लास राइस के लिए बस 1.5 ग्लास ही पानी डालने वाली हूँ। दही और बाकी सारी जो मॉइस्चर चीज़ें हैं उसके वजह से भी यहाँ पे राइस जो है वो अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले 1 ग्लास पानी ऐड कर दिया है, उसके बाद मैं 1/2 ग्लास पानी ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आप भीगे हुए चावल डाल रहे हो ना तब भी आपको जो पानी है उसकी जो उसका जो रेशो है वो इसी तरह से रखना है, क्योंकि उतने लंबे चावल को पकने के लिए भी इतने इतने पानी की ज़रूरत पड़ती ही है। तब राइस को डालने के बाद मैंने इसे काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लिया है, पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। एक बार यहाँ पे सॉल्ट और नमक और मिर्च चेक कर ले। मैंने जब मैरिनेशन किया था तभी सॉल्ट और मिर्च अच्छे से ऐड कर दी थी। अब इसे 1 उबाल आ चुका है। 1 उबाल आने के बाद मैं यहाँ पर इसे अब लिड लगा लूँगी और इसे प्रेशर कुक कर लूँगी। इसे मैं 2 सीटी आने तक के कुक करूँगी, लेकिन एक बार बीच में इसे चला लेंगे ताकि जो सारा मसाला ऊपर आ जाता है ना वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और 2 सीटी के बाद प्रेशर इसका अपने आप ही रिलीज़ होने देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि हमारी जो चिकन तहावी है वो बनकर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इससे और जो चिकन है और आलू है सब कुछ परफेक्ट यहाँ पे टेंडर हो चुका है। अब मैं आपको इसे एक बार मिक्स करके दिखा देती हूँ।
ये देखिए जो राइस है ना वो भी कितने खिले खिले बने हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ 1.5 ग्लास ही राइस ऐड किए थे। ये देखिए आप देख सकते हैं एक एक दाना बिल्कुल सेपरेट है यहाँ पे, जबकि मैंने बिल्कुल नॉर्मल वाले राइस यूज़ किए थे। तो अब आप यहाँ देखोगे कि मैंने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल दिया है। हमारी बहुत ही सिंपल सी बहुत ही डिलीशियस चिकन तहावी बनकर बिल्कुल तैयार है। गर्मा गर्म चिकन तहावी को आप रायता या सैलड किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, जिससे खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगे। तो आज की हमारी रेसिपी तैयार है, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह की और भी प्यारी प्यारी रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे देसी चूल्हा और रियल टेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है। तो कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।